back in the तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा रायन बोवन वर्सेस मज़ाहिर साइडू इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सुपर मैच अब ख़त्म हो चुका है एक ज़बरदस्त मैच था इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है जैसी उम्मीद थी जैसी महत्वाकांक्षा थी वैसा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला लेकिन जो मेरा अनुमान था रिजल्ट ठीक उसी प्रकार से गया चार तीन से जीत दर्ज की रायन बोवन ने मज़ाहिर साइडू ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया पहले राउंड में फ्लैश पिन कर दिया रायन को उसके बाद रायन ने कम बैक की ये वाला राउंड मैंने देखा नहीं लेकिन रायन ने खुद मुझे बताया कि उन्होंने बिना स्ट्रैप के मज़ाहिर को हुक कर लिया इतनी ज्यादा प्रोनेशन नज़र आ रही थी मज़ाहिर के गेम में आज उसके बावजूद बिना स्ट्रैप के हुक लगाना और जीतना काफ़ी बड़ी बात है फिर मज़ाहिर ने कम की फ्लैश पिन किया इस तरीके से तीन दो से मज़ाहिर आगे थे लेकिन आखिरी के दो राउंड रायन बोवन ने जीत लिए बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर का मुकाबला था मैच के बाद रायन बोवन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पे लिखा कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल मैच था इतनी ज़्यादा थकान इस मैच के दौरान उन्हें हुई तो मज़ाहिर का प्रोनेशन काफ़ी अच्छा था मुझे लगा थोड़ा कम होगा लेकिन रायन की रिस्ट को काफ़ी आसानी से फ्लॉप कर दिया था लेकिन उसके बावजूद रायन ने इस पोजीशन में होल्ड करके रखा और वहाँ से फ्लॉप प्रेस के साथ हरा दिया मज़ाहिर को तो साइड प्रेशर की और फिनिशिंग पावर की कमी थी क्योंकि वो कई बार यहाँ तक आ जा रहे थे फिंगर्स खोल के हाइट भी गेन कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी नीचे नहीं जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉपिंग पावर थी रायन की और मज़ाहिर की फिनिशिंग पावर काफ़ी कम नजर आ रही थी उन सभी राउंड्स में जिनमें वो हार गए तो एक बार फिर से वही साबित होती है जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे इंड्योरेंस की कमी मज़ाहिर ने मुझे बताया था इंटरव्यू में कि उन्होंने अपनी इंड्योरेंस पर बहुत काम किया है और पहले से बहुत बेहतर है इंड्योरेंस लेकिन देखने को ये मिला कि दो टाइप की इंड्योरेंस होती है एक तो आपका स्टैमिना आपके इंड्योरेंस जो है वो एक मैच के दौरान है और एक है रिकवरी वाली तो रिकवरी वाली इंड्योरेंस तो काफ़ी ठीक लग रही थी मज़ाहिर की जैसे एक राउंड लंबा गया उसके बाद दो मिनट का ब्रेक उस दो मिनट में काफ़ी जल्दी रिकवर कर गए और दोबारा से फ्लैश पिन लगा दी तो वो इंड्योरेंस उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आई और उन पर मेहनत भी की थी उन्होंने लेकिन जो मैच के दौरान इंड्योरेंस है यहाँ तक लेकर आए ओपोनेंट को यहाँ पर लेकिन अगर मैच रुक गया तो काफ़ी जल्दी वो थक जा रहे थे और रायन ने आसानी से वो सारे राउंड्स जीत लिए तो इंड्योरेंस पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है ये थोड़ा जेनेटिकली भी आपको गिफ्ट होता है आपकी आपकी इंड्योरेंस कैसी है तो एकदम से चेंज कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है बट काम ज़रूर किया जा सकता है इस पर दो तो अगेन थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है अभी क्लिप्स को आप वायरल कर सकते हो जिनमें मज़ाहिर जीता है वो अलग बात है लेकिन मैच नहीं जीत पाया और ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर टू खिलाड़ी था तो अभी सुपर मैच फॉर्मेट में तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के नंबर टू के बराबर भी नहीं है एक बहुत बड़ी गलती हुई जब प्रवीण डबासर ने मुझे बताया कि ये बेस्ट ऑफ सेवन मैच है बेस्ट ऑफ़ फ़ाइव नहीं मैंने एकदम से अपना माथा पकड़ लिया था कि यार नहीं ये नहीं होना चाहिए था बेस्ट ऑफ फाइफ ही रखना था मज़ाहिर की वीकनेस है इंड्योरेंस और ये चीज़ भारी पड़ सकती है इस मैच में उसको वही हुआ सेम कोच रे के मैच जैसा सिक्स राउंड सुपर मैच था किंग ऑफ द टेबल में मज़ाहिर ने तीन राउंड फ्लैश पिन कर दिया कोच रे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद हाथ पंप हो गया और कोच रे ने चार तीन से हरा दिया तो एक बात तो साबित हो गई कि सारे प्रोमोटर्स की आंखें खुल गई होंगी कि मज़ाहिर भाई काफ़ी इंटरटेनिंग मैचेस देते हैं फोर थ्री फोर थ्री तो बुलाएंगे भाई इन्हें बाहर भी लोग और इनके लेवल का भी पता लग गया शायद ये कहना भी फेयर होगा कि ये रायन भवन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि रिस्ट फ्लॉप कर दी थी तीन राउंड भी जीत गए थे ईस्ट वर्सेज़ वेस्ट टाइप का ये मुकाबला होता या या जैसे मैचेस प्रोपंजे में होते हैं उस टाइप का भी मुकाबला होता तो वो जीत जाते तीन दो से मैच ख़त्म था बट ये बेस्ट ऑफ सेवन था एक गलती हुई ऐसा बट रायन ने भी काफ़ी दूर से ट्रैवल किया था मज़ाहिर तो दुबई से आए थे तो वो भी थोड़ा डिसएडवांटेज था होम एडवांटेज मज़ाहिर के पास तो वो काइंड ऑफ इक्वल हो जाती हैं सारी चीज़ तो लाइट वेट में तो काफ़ी अच्छे अभी हमारे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं ये परफॉर्मेंस भी अच्छी थी ठीक जैसी मैं से जैसी मैंने उम्मीद की थी चार तीन का ही शायद मेरा प्रडिक्शन था इस मैच में वही हुआ लेकिन सुपर हैट लेवल पे अभी काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है स्पेशली ये जानते हुए कि ये हमारा इकलौता चैम्पियन है इसके बाद जो नंबर टू है वो काफ़ी नीचे है और जो नंबर वन है हमारा वो भी अभी वर्ल्ड लेवल पर नहीं पहुँच पाया है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात थी उससे अलग आभास राणा और मैट कॉर्नोली का मैच था आभास राणा ने बड़े आराम से स्ट्रैप लगाते ही इजीली फ्लैश पिन कर दिया मैट कॉर्नोली ग्रिप करते टाइम भी काफ़ी घबराया हुआ सा लग रहा था तो तीन जीरो चार जीरो से काफ़ी आसानी से उस मैच को जीत लिया बट रायन ने यार जो ज़बरदस्त मैच दिया है बिल्कुल आई एम सो हैप्पी फॉर हिम मैंने दोनों खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक बोला था ऑफकोर्स मन तो था कि मज़ाहिर जीते लेकिन रायन के लिए भी मैं खुश हूँ दोनों ही मेरे फ्रेंड्स हैं तो इस प्रकार से मैच हुआ मैच और वीडियो देखने के लिए थैंक्स सब्सक्राइब करना लाइक करना आई विल सी यू अगेन